हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीफो FIFO एंड फीफो FEFO मेथड्स फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीफो एंड फीफो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम FIFO मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। FIFO फीफो मींस होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मींस दैट प्रोडक्ट स्टोर्ड फर्स्ट आर टू बी रिट्राइव्ड फर्स्ट। फीफो मेथड इज बेस्ड ऑन द एजप्शन दैट मटेरियल्स विच आर परचेज्ड फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट। In this method, you aim to sell the products that arrive first in your store. Slightly older products are placed at the front of the shelf, newer product near the back. You would expect items in front will be the first item out. That especially true if customers are in a rush and want to grab the first product of the सेल्फ। तो आइए डिटेल में समझते हैं फीफो होता क्या है। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे स्टोर में पहले प्रोडक्ट रखा हुआ है उसको हम पहले सेल करें, जो प्रोडक्ट बाद में आ रहा है उसको बाद में सेल करें। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास पैरासीटामॉल की एक बॉक्स टैबलेट है ना, और आपने दो बॉक्स टैबलेट और मंगा लिया है, तो पहले आपको क्या करना है, जो पहले एक बॉक्स टैबलेट का है उसको सेल करना है। जब वो सेल हो जाए तो जो बाद में आपने बॉक्स मंगाया हुआ है उसको सेल करना है। यही फीफो मेथड है। इसको सबसे आसान तरीका क्या है इसको करने का, जो पहले प्रोडक्ट है वो अपने आसपास रखिए और जो बाद में प्रोडक्ट आपने मंगाया हुआ है उसको थोड़ा दूर रखिए। क्योंकि जब कस्टमर ज़्यादा हो जाते हैं आपके पास तो आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ से प्रोडक्ट दें, तो जो पास में रहता है उसको उठा के आप दे देते हैं। तो जो प्रोडक्ट पहले रखा हुआ है, मतलब पहले जिसको सेल करना है आपको, वो आपके पास रहेगा तो वहीं सेल हो पाएगा। जब वो सेल हो जाए तो जो बाद में आपने प्रोडक्ट मंगाया हुआ है उसको अपने पास रखिए। होप आपको फीफो मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। It is based on a realistic assumptions that materials are issued in the order loss of receipt. Next point है आपका, materials are issued at actual cost and thus no unrealistic profits are arises from the operation of this method. This method is easy to understand and simple to operate, and the value of closing stock will reflect current markets. And this method is useful when price are fall. कहने का मतलब क्या है, यह बहुत सिंपल प्रोसेस है जो कि बहुत आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है, और जब ये मार्केट फॉल होता है, मार्केट में जब उसकी वैल्यू कम होती है तो उस केस में अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट पहले से पड़ा हुआ है और जो प्रोडक्ट बाद में आ रहा है उसका रेट क्या हुआ, कम हो गया। तो जो आपके पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है उसको उसी प्राइस पे बेचेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये तो रहे इसके एडवांटेज। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन एंड हैंस इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लरिकल एरर। इस मेथड में क्या होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होते हैं इसको मैनेज करने के लिए, जिसमें क्लर्क के थ्रू मिस्टेक हो सकते हैं। व्हेन प्राइस राइजेस द इशू प्राइस डज नॉट रिफ्लेक्ट द मार्केट प्राइस एज अ मटेरियल्स आर इशूड फ्रॉम द अर्लीस्ट कंसाइनमेंट। इसका डिसएडवांटेज यह भी है कि अगर मार्केट का प्राइस ज़्यादा हो गया, मतलब जो प्रोडक्ट आपने खरीदा हुआ है कुछ दिन बाद क्या हुआ, उस प्रोडक्ट का मार्केट बढ़ गया, उस केस में क्या होगा, आपको नुकसान हो गया, क्योंकि आप बढ़े हुए मार्केट पे तो नहीं बेच सकते क्योंकि उस पर प्राइस लिखा रहता है तो कस्टमर उसको लेंगे नहीं, तो आपको उसी मार्केट पे सप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका, इन केस ऑफ फ्लक्चुएशन इन प्राइस ऑफ मटेरियल्स
comparisons between one job and other job becomes difficult because one job started a few minutes later than another of the same nature may be issued at different price. जैसा मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि अगर मार्केट वैल्यू बढ़ रही है उस केस में प्रॉब्लम हो सकता है. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉलिंग प्राइस कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एन टू बी हाई. दिस में लीड्स टू कैंसिलेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव सेल्स बिकॉज ऑफ हाई कोटेशंस. ये तो रहे फीफो मेथड. FIFO मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें मैंने आपको बताया ये होता क्या है और इसके एडवांटेज क्या हैं डिसएडवांटेज क्या हैं. अब बात करते हैं फीफो मेथड FEFO मेथड. FEFO का मतलब हुआ फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट. फीफो इज़ टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट विद द शॉर्टेस्ट एक्सपायरी डेट इज़ प्लेस्ड इन द मार्केट फर्स्ट. आइए इसको अच्छे से समझते हैं. FEFO फीफो का मतलब क्या हुआ फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट. इसके पहले मैंने जो फीफो डिस्कस किया FIFO फर्स्ट इंट्री फर्स्ट एग्जिट, उसमें क्या था कि जो पहले माल आ रहा है उसको हम पहले सप्लाई करेंगे पहले सेल करेंगे. और इस मेथड में क्या है जो मटेरियल हमारा पहले एक्सपायर्ड हो रहा है उसको हम पहले सेल करेंगे, भले ही वो मटेरियल बाद में आया हो बट जो एक्सपायर्ड पहले हो रहा है उसको हम पहले सेल करेंगे. यही उसमें डिफरेंस है बस. तो होप आपको फीफो अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसके एडवांटेज की बात करते हैं. दिस मेक्स इट पॉसिबल टू रिड्यूस बिजनेस ओवरहेड फ्रॉम वेस्टेज एंड द एडिशनल वर्क एंड कास्ट एसोसिएटेड विद रिटर्न्स. इट आल्सो हेल्प टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट्स रीचिंग एंड यूजर हैव सफिशियंट रिमेनिंग सेल्फ लाइफ. इफ अ कंपनी डिसाइड टू अप्लाई द फीफो मेथड टू देयर रूटीन अ लॉट ऑफ लॉसेस कैन बी अवॉइडेड. इसका मतलब क्या हुआ अगर यह मेथड आप लगाते हैं तो जो प्रोडक्ट पहले एक्सपायर हो रहा है उसको पहले सेल करना है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास एक्सपायर्ड जो मटेरियल है वो बढ़ जाएंगे और उसको रिटर्न करना या डिस्पोज करना इन सब में आपका घाटा हो सकता है. तो मेथड यही है कि आप जो ड्रग पहले एक्सपायर्ड हो रही है उसको आप पहले सेल करिए. बट ये भी ध्यान रखना है कि जो हम कस्टमर को दे रहे हैं ये प्रोडक्ट उनके पास भी इतना टाइम रहे कि वो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकें यूज कर सकें. ऐसा नहीं कि हम दो दिन एक्सपायरी है और हमने पेशेंट को दे दिया और वो एक महीने तक यूज़ करना है उनको, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. हल्का ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि पेशेंट को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट हमारा एक्सपायर्ड होने वाला हो, मतलब उसमें कुछ टाइम हो जिससे पेशेंट यूज कर सके, उस केस में आपको इसको पेशेंट को देना है. इससे क्या होगा कंपनी को लॉस भी नहीं होगा और आपको भी लॉस नहीं होगा जो आप प्रोडक्ट मटेरियल या मेडिसिन सेल कर रहे हैं. ये तो रहा फीफो मेथड. तो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया फीफो FIFO एंड FEFO, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट इनके दोनों के मतलब अलग हैं. तो होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जो कंटेंट मैंने इसमें एक्सप्लेन किया आपको समझाने की कोशिश की वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.